एक महीने से घर में छे, खाना को नहीं, दाने को नहीं, कुछ भी नहीं। जे लोग का दे रहे वो हम खा रहे, हमारे घर में हाल के बेहाल है, बच्चे कच्चे सब खाने। अब जो कुछ भी आप मदद करने वाले है, खाना खाने को बैठे तो पानी पूरा घर में घुस गया, घर टूट गया, हमको बैठने को जगह नहीं। आप चाहे तो कोई मदद कर सकते हैं हमको। टीन उड़ के गया, कोई है तो मदद करने वाले, हमारे को मदद करना है। सब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम रोड पे। एक महीना डेढ़ महीना हो रहा सब हम घर पे बैठे वाले हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। लोग काम करने वाले हैं, काम नहीं लग रहा, लॉकडाउन से हम मजबूर है। फिर उनके वही ला के दिए, सुखा रहे थे, अब वो भी मुश्किल होगा। पानी से टीना हट गया, राशन बिक गया। रमजान ये सब कोई भी ला के दे रहे राशन, वो तो उससे गुजारा कर ले रहे। खाना पीना कोई ला के दे रहे राशन, कोई भी गरीब है बोल के कोई राशन ला के दिया, वो भी नहीं ला के दे रहे अब कोई लोग। आदाब नाजरीन, मैं जिशान रजवी। नाजरीन, जहां आवाम गुज़िश्ता 40 दिन से लॉकडाउन, करोना वायरस व दिगर मसाइल में उलझी हुई थी, वहीं पर लॉकडाउन आज खुलने की वजह से थोड़ा कारोबार में राहत मिलने पर एक राहत सी महसूस हुई। लेकिन उसके बावजूद भी बारिश ने अपना नया असर दिखा दिया। अचानक हुई ज़िले में थोड़ी देर की बारिश शहर में काफ़ी तूफान का सबब बन चुकी है। ये असर भी सिर्फ गरीबों पे ही पड़ा है। वाज़ह रहे कि करोना वायरस को भी अमीरों की बीमारी कहा जाता है, जिसका जुल्म सिर्फ गरीबों पे हुआ है। इसी तरह इस बारिश ने भी गरीब ख़ानदानों पर काफ़ी बड़ी बिजली गिरा दी है। हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लें तो जहाँ सैलाब है उस मुकाम पर तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर गरीब हैं, जहाँ पर टीनशेड है, जो इस बारिश से भी अपने को महफूज नहीं कर पाते, वो लोगों की हालत इस बारिश की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से हो चुकी है। हम यहाँ पर मौजूदा निज़ामाबाद के निज़ाम कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़री सी बारिश से इस घर का क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे घर का जो मेन हिस्सा माना जाता है, जो किचन है, जहाँ से सुबह की रोज़मर्रा ज़रूरियात मुकम्मल होती हैं, लेकिन ज़री सी हवा की वजह से, ज़री से बारिश की वजह से टीन शेड हट जाने के सबब इनका सारा राशन बर्बाद हो चुका है। और जो गुज़िश्ता 40 दिन से बेरोज़गार है, हमारे साथ यहाँ पे मकान मालिक भी मौजूद हैं, वो रोज़मर्रा छोटे मोटे काम करके यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इन हालात में जो केसीआर साहब के 1500 रुपये थे या फिर मोदी साहब के जो 500 रुपये थे, वो भी यहाँ पर अब नाकाफ़ी हो चुके हैं। यहाँ पे अब फिर से इन्हें अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अब यह हालात उतने आसान नहीं थे होंगे जितना पहले थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी लॉकडाउन के बाद से किस तरह से गुजरी थी और आज बारिश का किस तरह से असर हुआ। हम दो महीने डेढ़ महीने से बैठ के है घर में, काम तो नहीं है। फिर वही ला के दिए, सुखा रहे थे, अब वो भी मुश्किल होगा। पानी से टीना हट गए, राशन बिक गया, वो भी मुश्किल हो गई। कोई भी मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने थोड़ी मदद करे तो हमारे लिए। हमारा घर पूरा गिर गया, हमारी परेशानी हो रही, खाने को कुछ नहीं, हमको हमारा राशन बिशन सब खराब हो गया, हमारा टीना पूरे उड़ गए, हमारा हाल बहुत बुरा है। किचन पूरा खराब हो गया, खाना सालन पकाए से भी खराब हो गया, ला के दिए सो खा रहे थे वो भी खराब हो गया, पूरा हाल बहुत बुरा है हमारा। आपके पास रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है? रमज़ान ये सब कोई भी ला के दे रहे राशन, वो तो उससे गुजारा कर ले रहे, हाँ गुजारा कर ले रहे उससे। हमारा हाल बहुत बुरा है, क्या करते हैं, परेशानियों को तो बोल नहीं सक रहे किसी को भी। कामा नहीं है हमारे शोहर को, दो महीने होगा। खाना पीना कोई ला के दे रहे राशन, कोई भी गरीब है बोल के कोई राशन ला के दिया, वो भी नहीं ला के दे रहे अब कोई लोग। इतने दिन खाया, बहुत परेशानी हो रही है। हमारा रमज़ान है तो भी हमारे को बहुत बुरा हाल है हमारा। नाजरीन, जहाँ करोना वायरस के खौफ ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, वहीं पर चंद बारिश के छींटों ने पूरे निज़ामाबाद के गरीबों को हिला दिया है। जहां पर 40 दिन से फाखा कशी चल रही थी, करोना वायरस के खौफ में आवाम घर पर थी, वहीं पर जहां पर छत थी, वहां पर आज चंद बारिश की वजह से आज छत भी नहीं है। आवाम जाए तो कहां जाए, खाएं तो क्या खाएं, ये सवाल आवाम के दिलों में है। जहां पर मार्केट खुलने की आज थोड़ी बहुत खुशी थी, वहीं पर उस खुशी पर भी बारिश ने पानी फेर दिया।
आवाम ये भी परेशान है कि जो जिन अहले खैर हजरात ने जो इमदाद दी थी वो भी इमदाद अब पानी में बह चुकी है। हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए निज़ाम कॉलोनी के आवाम मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बारिश का उन पर क्या असर हुआ और गुज़श्ता लॉकडाउन की नाफिज होने के बाद वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक हमारे घर में ऐसा हो गया, 8 दिन से घर में बैठे, 1 महीने से घर में थे, खाना को नहीं, दाने को नहीं, कुछ भी नहीं। जे लोग का दे रहे वो हम खा रहे, हमारे घर में हल्के बेहाल है, बच्चे कच्चे सब खाने वाले, सब मर्द भाई घर में है, औरता घर में है, कुछ खाने को नहीं, दाने को नहीं था, सो भी खाने में बैठे। अब तो 8 बजे पानी पड़ा, कुछ भी नहीं है घर में, पूरा उड़ के गया, घर उड़ के गया, टीन उड़ के गया। कोई है तो मदद करने वाले, हमारे को मदद करना है साहब, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम रोड पर। एक महीना 1.5 महीना हो रहा साहब, हम घर पे बैठे वाले हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, लोग काम करने वाले हैं मगर काम नहीं लग रहा, लॉकडाउन से हम मजबूर है। अब जो कुछ भी आप मदद करने वाले हैं, खाना खाने को बैठे तो पानी पूरा घर में घुस गया, घर टूट गया, हमारे बैठने को जगह नहीं, आप चाहे तो कोई मदद कर। हमारे साथ मुकामी कायद अर्शद साहब भी मौजूद है जो कई सालों से यहाँ पर समाज। हम उनसे जानते हैं कि इस बारिश का इस इलाके पर क्या असर हुआ, खुसूसन जहां पर बारिश ने हम ये भी कह सकते हैं कि बारिश का अजाब सिर्फ गरीब इलाकों पर ही टूटा है। हम या इस इलाके का भी हालात का जायज़ा लें तो सिर्फ ऐसे मकान हैं जो अपनी ज़िंदगी अपनी हयात से लड़ रहे थे, अपनी औकात बता रहे थे, अपने साख्त बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहे थे, सिर्फ वैसे मकानों पर ही पानी का असर हुआ है। ये चंद मिनट्स की ये बारिश काफ़ी ख़तरनाक साबित हुई है। जुल्म पे जुल्म ये भी कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पर आवाम 40 दिन से घर पर है, भूखी है, फाका कशी में कई लोगों का ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रमज़ान की ईद करीब है, कई रोज़ेदार फाका कशी की हालत में रोज़े गुजार रहे हैं सख्त गर्मा में, उस पर ये कि इस बारिश ने भी अपने बची कुछ सी कसर आवाम के लिए गुजार दी। एक तो आवाम कोरोना वायरस से 2 महीने से परेशान है, दूसरी बात रमज़ान का महीना है, तीसरा जो है सो बारिश का कहर ऐसा पड़ गया है कि लोगों के घरों में जो खाने पीने को जो लोग दे रहे थे वो भी जो है सो बह गया है। मैं कलेक्टर साहब से MRO साहब से एक गुजारिश करता हूं कि आफत बंधु में जो भी स्कीम है वो स्कीम जो है सो इन गरीबों पे जो गरीबों को दी जाए और गरीबों की इमदाद की जाए ताकि उनके घर बसे और जो है सो उनका घर चल सके।